आपने इस देश को लड़ने का साहस दिया है, आपने प्रकाश सिंह सराभा और भगत सिंह जैसे वीर पैदा किए हैं, आपने हर वो सत्ता को चुनौती दी है जो सत्ता ताकतवर हो जाती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब पिछली बार भाजपा की सरकार बनी थी और बड़े घमंड से भाजपा के लोग कह रहे थे कि हम हारे के लिए ही, तो पहली पटकनी जो है बिहार में उनको मिली और दूसरी पटकनी जबरदस्त, इसको कहते हैं पंजाबी पटकनी, पंजाब में उनको मिली गई थी। उस सामाजिक आंदोलन को, उस क्रांतिकारी विरासत को खड़ा किया जाए। और मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि आपके ही नौजवान ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ फेडरेशन के उन लोगों ने बेगारी के खिलाफ एक आवाज बुलंद की है। बनेगा के नाम से वो एक कानून बनाने की बात कर रहे हैं, भगत सिंह नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट को बनाने की मांग कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी हो, इसको लेकर के वो सड़कों पर होते हैं। दूसरे तरह के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी यहाँ पर चले, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, संतापमूलक समाज की स्थापना के लिए। और इस देश के किसान ने, मजदूर ने, नौजवान ने। और मजेदार बात यह है कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर के सरकार बनाई, और दोष किसके ऊपर डाल रहे थे? दोष महात्मा गांधी के ऊपर डाल रहे थे। जबकि महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे रघुमती राघव राजा राम प्रतीक पावन सीता राम ईश्वर अल्लाह के रो नाम सबको संबंधित राम राम लेकिन राम का नाम देने के चलते उनकी हत्या नहीं की। वो जो कह रहे थे कि ईश्वर अल्लाह के रो नाम सबको संबंधित दे भगवान, इसलिए उनकी हत्या। और ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि व्हाट्सएप मैसेज पे आपको समझाया गया होगा कि गांधी की जिद पर आए हुए थे कि पाकिस्तान को करोड़ों रुपया वापस करना है। वो तो उनके उपवास के दूसरे दिन ही वापस हो गया था, फिर भी उनका उपवास नहीं चल रहा। उनका उपवास इसलिए चल रहा था कि वो चाह रहे थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश बने जिस देश में हर किसी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, किसी भाषा बोली या क्षेत्र का हो, उसको बराबरी का अधिकार मिले। इसीलिए जब आप संविधान को पढ़ेंगे, उसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा जाता है हम भारत के लोग, हम बिहारी, हम पंजाबी, हम मराठी, हम कन्नड़िया, ये नहीं लिखा जाता है। लिखा जाता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व समझता है। प्रभुता का क्या मतलब होता है? संप्रभुता का क्या मतलब होता है? कि हम अपना निर्णय हम लेंगे, हमारा निर्णय ट्रंप नहीं लेगा। कश्मीर अगर हमारा अभिमान है, हम उसको अपना अभिमान मानते हैं, तो विदेशी सांसद वहां करके क्या करेगा? आपको आपके घर में आपके भाई से झगड़ा हो जाएगा तो आप पड़ोसी को लाकर के अपना बेडरूम दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा नेता हमसे झूठ बोल रहा है। हमारा नेता विदेश जाकर के बोला सब चंगा सी, हमको लगता है कि सब चंगा सी लखटकिया सूट पहन के हमारा नेता नंगा सी। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वादा किसी और चीज का, डिलीवरी किसी और चीज का हो जाता है। अमेजन में सामान बुक कराते हैं ना, तो आपको लेना है मोबाइल और आपको भेज देना छाता, क्या करेंगे? रखेंगे कि वापस करेंगे? लोग बुक क्या कराया था? वजीर आजम के बतौर प्रधानमंत्री के तौर पे लोगों की बुकिंग किस बात की थी? बुकिंग थी कि अच्छा दिन आएगा। बुकिंग इस बात की थी कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा है। बुकिंग इस बात की थी कि किसानों को उनका फसल का दोगुना दाम मिलेगा, किसान आत्महत्या बंद होगी, महंगाई रुकेगी, हर
आधा पैसा और है, एक मिनट तो बुक कराए तो मोबाइल आ गया छाता, उसको जब लौटा सकते हैं तो क्या इस सरकार को नहीं बना सकते हैं, इनको वापस नहीं पहुंचा सकते हैं? किस देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है? इस देश की समस्याओं के ऊपर किसानों, नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं, पर्यावरण, खेती, इन चीजों पर कोई टीवी डिबेट नहीं होता है। टीवी डिबेट किस पे होता है? इमरान थर थर कांप रहा है, तो थर थर कांप रहा है स्वेटर पहन लेगा, कोट पहन लेगा, ये हमारा मुद्दा है। इस देश का इतिहास हमको उठा करके बता दीजिए, आप पंजाब के लोग हैं, हर घर से कोई ना कोई नौजवान इस देश की सेना में अपनी सेवा दे रहा है, आपको अपने लड़कों को भरोसा नहीं है, है ना? तो आपके लड़के खड़े हैं ना सीमा पे, देख लीजिए पाकिस्तान आएगा दो दो हाथ कर लिया जाएगा उससे, और जब भी आया है तब देख लिया है। क्या हिंदुस्तान ने, भारत ने 47 में पाकिस्तान को नहीं मनाया, 65 में पाकिस्तान को नहीं मनाया, 71 में पाकिस्तान को नहीं मनाया, 99 में, 41 में पाकिस्तान को नहीं मनाया? तो जब 47 में हराया, 65 में हराया, 71 में हराया, 99 में हराया, तो 2019 में नहीं मनाया? जब आया तो बता दें इसमें क्या समस्या है, ये क्यों है, ये बात सोचिए। ये इसीलिए है ताकि देश को ये नहीं पता चले कि पंजाब में भी किसान आत्महत्या, बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, हम तो बोलेंगे आपको कि हम तो आपकी फसल आप कर रहा है, हमारे यहाँ की खेती की बात ही नहीं होती, आधा इलाका बाल से और आधा इलाका सुमार से फिर मिल रहा है। जिस पंजाब ने पूरे देश को अनाज दिया, सबको चावल खिलाया, आदमी कह रहा था कि पंजाब में तो चावल लाते हैं और खाते हैं बिहार के, क्योंकि आप लोग तो रोटी खाने वाले लोग हैं, चावल तो खाते नहीं हैं। जिसने पूरे देश को खाना खिलाया आज वहां के किसान आत्महत्या करने की कोशिश, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में किसान आत्महत्या करते हैं, और ये दो राज्य का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, इस देश की इकॉनमी 3 ट्रिलियन की है। हमसे ना पूछेगा कितना दे रहे हो, पूछेगा तो बता देंगे, मैं तो नहीं बता देंगे। कलेक्टर की जरूरत है तो फार्मर की भी जरूरत है।
तो हमें इतना नहीं करना चाहिए। किसी हॉस्पिटल को चलाने के लिए जितना जरूरी डॉक्टर होता है उतना ही अपने ईश्वर मित्र होता है। तो डॉक्टर साहब तो जाएंगे नहीं बेसिन साफ करने के लिए और कमोड साफ करने के लिए। ये जो मूल्य है इस मूल्य को समझना जरूरी है। और आज जब हम डॉक्टर रामचंद्र जी की पुण्यतिथि पर मैं माफी चाहता हूँ कि मैं 2 तारीख को नहीं आ पाया क्योंकि हमारे यहाँ लोक त्यौहार होता है छठ, और उस त्यौहार की खासियत ये है कि उसमें पंडित की जरूरत नहीं होती है, कोई कष्टकांड नहीं होता है, उनका जो है खेती आधारित त्यौहार है। जैसे आपके यहाँ बैसाखी होती है उसी तरीके का त्यौहार है। उस त्यौहार के चलते में नहीं आ पाया वरना मैं आता। और खास बात यह है कि इस परिवार में आकर के मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि मैं कोई बाहर का व्यक्ति हूँ। मैं बड़ा घूम मिल सा मेरा इस परिवार के साथ है। और इस परिवार से एक खास सीख मुझे ये मिलती है कि कहते हैं कि मुंडा को पढ़ाओगे तो 1 पीढ़ी सुधरेगी, कोरिया को पढ़ाओगे तो 7 पीढ़ी सुधरेगी। उसको ये बेटियों को पढ़ा करके बीबी जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आज जब मैं पंजाब की इस धरती पर खड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता महसूस हो रहा है। अमूमन ये होता है कि जब हम मीटिंगों में जाते हैं तो ज़्यादातर मर्द होते हैं, औरतों की संख्या कम होती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर महिलाएँ भी आई हैं, मैं विशेष रूप से उनको नमस्कार करता हूँ। क्योंकि एक बात इस तरह के जलसों में अगर आप अपने घर की महिलाओं को नहीं लाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको जो करना है कर लीजिए, अगर औरतें उसमें साथ नहीं देंगी, अगर कस्तूरबा गांधी के साथ नहीं चलती तो गांधी जी भी वो आंदोलन नहीं कर पाते। और आपके बच्चे जो हैं वो आपके साथ नहीं रहते, वो अपनी माओ के साथ रहते। तो महिलाओं को आप इतना आगे बढ़ने का मौका देंगे आपके बच्चों पर उतना ही ज्यादा असर पड़ेगा। नहीं तो बाबूजी जिंदगी भर लाल सलाम को देंगे, बेटा जो है क्या करके जय मोदी करना शुरू कर देगा। बाबू जी जिंदगी भर जो है गांधीवादी रहेंगे, बेटा भाजपा में शामिल होकर के वोट से बाजी हो जाएगा। इसीलिए महिलाओं के हक और अधिकार के लिए, मानव अधिकार के लिए इस देश में जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, पुरानी समस्याएं तो चल ही आ रही हैं, गरीबी, भुखमरी, जातपात, हिंसा, बेरोजगारी, मजदूरों को उनका मजदूरी नहीं मिलना, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलना, ये तो समस्याएं चली ही आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आज शुरू हो गई है, अब नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पानी खत्म हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहा है, रोड सेफ्टी, तरह तरह की नई समस्याएं पैदा होती जा रही हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए कि पंजाब ने बेहतरीन काम किया है। आज भी जब इस देश में लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, पंजाब में कहीं ना कहीं एक आवाज उठते रहती है। देश में जो हालात है उसके खिलाफ, लेकिन ये आवाज काफी नहीं है। आप अपने इतिहास को याद कीजिए, आप पंजाब के लोग, आपने इस देश को लड़ने का साहस दिया है, आपने करतार सिंह सराभा और भगत सिंह जैसे वीर पैदा किए हैं, आपने हर वो सत्ता को चुनौती दी है जो सत्ता ताकतवर हो जाती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब पिछली बार भाजपा की सरकार बनी थी और बड़े घमंड से भाजपा के लोग कह रहे थे कि हम हारे के लिए ही, तो पहली पटकनी जो है बिहार में उनको मिली
और दूसरी पटकनी जबरदस्त, इसको कहते हैं पंजाबी पटकनी, पंजाब उस सामाजिक आंदोलन को, उस क्रांतिकारी विरासत को खड़ा किया जाए। और मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि आपके ही नौजवान ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ फेडरेशन के उन लोगों ने बेगारी के खिलाफ एक आवाज बुलंद की है। बनेगा के नाम से वो एक कानून बनाने की बात कर रहे हैं, भगत सिंह नेशनल रोजगार गारंटी एक्ट को बनाने के लिए मांग कर रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी हो, इसको लेकर वो सड़कों पर होते हैं। दूसरे तरह के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी यहाँ पर चले, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, संतानमूलक समाज की स्थापना के लिए, और इस देश के किसान है, मजदूर है, नौजवान है, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हक और अधिकार के लिए पंजाब इस वक्त इतिहास को दोहराए और इस देश को रास्ता दिखाए। यही डॉक्टर साहब जैसे लोगों की उस सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम ये युद्ध होकर के लड़ेंगे और हार की सजा जीतेंगे। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।